मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 11 तारीख और बाहर लगी हुई है बहुत तेज़ बारिश, बहुत भयंकर बारिश लगी हुई है। और आज डीएम साहब ने भी छुट्टी की है, कल भी छुट्टी थी लेकिन हम लोग स्कूल गए थे और आज भी अभी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा उससे पहले मैंने कहा वीडियो बना ली जाए और पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ का हाल क्या है, वहाँ भी बारिश हो रही है या मौसम नॉर्मल है, कैसा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, इतना मोटा पानी जो है यहाँ से आ रहा है सीढ़ियों से और एकदम बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई है। आज 11 तारीख है, डीएम साहब ने आज छुट्टी की हुई है। अब छुट्टी नहीं होती तो आज तो बच्चों के बुरे हाल हो जाते जो आते। वैसे आज बच्चों ने आना भी नहीं था इतनी तेज़ बारिश में, तो डीएम साहब को भी धन्यवाद कि उन्होंने आज छुट्टी कर दी। दिखाते हैं आपको ये तेजस, देखिए अब उठ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो 9 बजे और ये गुड गाइस इसकी गुड मॉर्निंग। ये देखिए गाइस, ये देखिए 9:15 गाइस। बहुत सोना चाहिए गाइस, सोने से शक्ति मिलती है, शक्ति बहुत शक्ति मिलती है। और ये रानी यहाँ पे खा रही है आलू का पराठा। आज हमने आलू के पराठे बनाए हैं बारिश में। 5-6 दिनों से आलू का ही पराठा बनाया जा रहा है। एज यू नो आलू का पराठा बोल रहा हूँ मैं, कटहल। और गाइस मेरे आलू का पराठा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने कल रात को बोल दिया कि आलू का पराठा बनाया जाए। 4-5 दिन से हमने कोई कटहल नहीं बनाया, खाया। गाइस देख लो कैमरे के पीछे पीछे झूठ बोल रही मम्मी, मैं तो कैमरे के आगे सच बोल रहा हूँ। देरी सची रही, परसों बनाई थी, परसों बनाई थी, उससे 4 दिन पहले बनाई है ना, फिर उससे 2 दिन पहले बनाई थी। अरे इसको कटहल पसंद नहीं है तो ये बस अब बोलेगा कि हम लगातार कटहल ही खा रहे हैं। इतना खाया तो भाई साहब मैंने इतना। अभी हो रहे 10:30 और मैंने यहाँ पे उड़द राजमा की दाल रख दी उबालने के लिए। बाहर बारिश अभी कंटिन्यू चलती है और मैंने सोचा आज लाइव कर ली जाए, तो 11 बजे से लाइव है, तो मैंने यहाँ पर दाल पहले ही बनाने के लिए रख दी कि तब तक उबल जाए और मेरा काम भी हो जाए और लाइव में भी हम जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, गपशप मारेंगे। और ये देखिए बारिश में ही लोग जो है वो पेड़ टूटा वहाँ पे, तो उसकी दाल लेने गए हैं अपने बेलों के लिए। तो अभी बारिश बंद हो गई है, अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह भी हमने खा लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में और छत से दिखाते हैं आपको, नदी भी दिखाते हैं। नदी कितनी बढ़ गई है, नदी का पानी जो है काफ़ी बढ़ गया है। और देखिए ये नदी काफ़ी बढ़ गई है, जिस नदी में बहुत कम पानी रहता था वो अभी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मटमैला भी दिखाई दे रहा है उस साइड तक देखिए। और फिर से बारिश के जो हैं हल्के हल्के छींटे पड़ने लगे हैं, बूंदें पड़ने लगी हैं बारिश की। तो इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए हमारे ही घर के ऊपर जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी वहाँ पे ऊपर से ये पत्थर वगैरह और एक पेड़ भी टूट गए। एक पेड़ ये टूटा और दूसरा, दो पेड़ टूटे थे तो उनको जो है लोग ले गए हैं अपने घर बारिश में ही। और इधर दिखाते हैं आपको जो फूल हैं उनके भी बहुत बुरे हाल हो गए हैं बारिश से। जो ये सारे फूल थे वो सब तहस नहस हो गए हैं, सारे टूट गए हैं। ये देखिए सारे हो गए हैं बर्बाद, बहुत बुरा हाल हो गया उन फूलों का भी। और यहाँ पे ये भी खिल रहा था, ये सब छत्यानाश हो गया बारिश से। ये तुलसी का पौधा है, जय हो माँ तुलसी की। और इधर है ये हमारा शमी का पौधा। और यहाँ पे देखिए ये बंदर भी बैठा हुआ है, ये देखिए ये बेचारा जैसे ही बारिश बंद हुई बाहर निकल गया। और ये जहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं वहीं पे कल रात हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी थी और रात को ही सरजी जो है इधर लेके आए कि इधर लगा देते हैं, अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या टूट के नीचे गिर जाए। तो गनीमत रही कि गाड़ी बच गई और हम टाइम से इधर ले आए, वरना गाड़ी में बहुत बड़े बड़े डेंट आने वाले थे, बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए हैं। देखिए चलते हैं अब नीचे क्योंकि जो है बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं, थोड़ा बारिश बढ़ने लगी है, नीचे चलते हैं। बिल्कुल छत में ऐसे हो गया, बिल्कुल फिसलन हो रखी है छत में भी, तो आराम आराम से जाएंगे। तो तेजस अभी जा रहा है ट्यूशन। यो यो हनी सिंह, हाँ
गाइस मैं जा रहा हूँ समोसे लेने के लिए 1 KG पार्टी के लिए, पापा ने 30 रुपये दे रखे हैं। अच्छा 1 KG पार्टी के लिए। अभी जाएगा ट्यूशन और आते वक्त लाएगा तेजस समोसे गर्मा गर्म। सुन ले एक बात, डबल फ्राइड मत लाना, अंकल जी से बोलना ताजे देना, ठीक है? पिछली बार तो डबल फ्राइड ले आया था, वो ठीक नहीं था। और आराम से जाना, किच पिच में मत जाना। हाँ पैंट ऊपर कर दे जरा, ए तेजस थोड़ा सा फोल्ड कर दे। हाँ जो भी है लोअर भी तो ना ना फोल्ड कर दे थोड़ा सा। चलो ओके बाय मेरे चाहने वाले, बाय बाय। किनारे किनारे जा। तो गाइज यहाँ पर रिया रानी धो रही है बर्तन, ये देखिए अभी हमने खाना खाया और ये बर्तन रख दिया रिया रानी के लिए। क्या बोल रही है? दुकान दिखाने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ ये नहीं है, ये दिखाने की चीज़ है। हमने कितना खाना खाया, कितने बर्तन हुए, और लोग देखेंगे ही नहीं कि रिया रानी बर्तन भी धोती है, तो तेरी शादी कैसे होगी भाई? है जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ इनकी बेटी खूब काम करती है, बर्तन धोती है, है कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, बोलेंगे हमने कभी नहीं देखा रिया को बर्तन धोते हुए, है ना? सुकंदा ये तो किला उठाई हो चुमत थी ये कल दम तो लगेगा ही ना। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और देखिए तेजस आ गया अभी समोसे लेके, 1 KG पार्टी, 1 KG पार्टी। और अभी बनाते इनके लिए चाय और खिलाती हूँ फिर इनको, और अब यहीं पे इस ब्लॉग को करते एंड लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।